और आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ को, जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक यानी 1 से लेके 7 तारीख तक। प्रीवियस वीडियोस हैं जो आपके मई मंथ और जून के, वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? वो मिलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर। आप जाएंगे जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर। वहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं आपके, वो सारे आप नोट कर सकते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। RRB एग्जामिनेशन, PO क्लर्क, साथ साथ SBI क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, तो आप वहाँ से नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, साथ साथ अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप कवर अप करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके साथ। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो शुरू की पहली न्यूज़ है हमारी, वो है वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ $750 मिलियन का एक प्रोग्राम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू सपोर्ट सेवरली इम्पैक्टेड MSMEs इन इंडिया ड्यू टू COVID-19 क्राइसिस। यानी जो कोरोना वायरस के तहत क्राइसिस आई है और जिसके वजह से MSME सेक्टर में, जो इकोनॉमी में एक स्लोडाउन आया है, उसको पूरा करने के लिए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करा रहा है कितना, $715 मिलियन का इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। अब जानते हैं कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक फैक्ट हैं, वो हेडक्वार्टर है वो Washington DC में है, और साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया। दिस ऐप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू फार्मर्स विच विल हेल्प दैम टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल इकोसिस्टम। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है आपका क्या, ई किसान धन ऐप, किसके लिए? फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया। ये आपको प्रोवाइड करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो फार्मर्स को। तो HDFC बैंक के जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरमैन की बात करें तो वो है दीपक एस पारेख। मैनेजिंग डायरेक्टर जो HDFC बैंक के हैं वो हैं आदित्य पुरी। तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे आएगा एग्जामिनेशन में, वो आएगा कि HDFC बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम है हमारा ई किसान धन ऐप, या फिर आएगा ई किसान धन ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उसका आंसर रहेगा हमारा HDFC बैंक। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम फॉर इम्प्रूव क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ किसकी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, किसके थ्रू करेंगे, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ, किसके थ्रू करेंगे और किसके जरिए करेंगे। तो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ट्रस्ट सेटअप बाय द, किसके द्वारा सेट किया गया, तो सेटअप बाय द SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के द्वारा, जो कि सब्सिडरीज है किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब स्कीम में होगा क्या, तो ये स्कीम का जो पीरियड रहेगा, वो स्कीम पीरियड रहेगा, दिस स्कीम विल रिमेन ओपन फॉर 3 मंथ्स फॉर मेकिंग सब्सक्रिप्शन बाय ट्रस्ट, और जो डेट रहेगी एग्जाम्पल के तौर पे वो रहेगी आपकी 30 सितंबर 2020 तक। अब इंस्ट्रूमेंट जो इसमें किए जाएंगे, यूज़ किए जा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस स्कीम तो वो है कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कमर्शियल पेपर जो मैक्सिमम रहता है, आपको पता ही होगा कि जो मिनिमम रहता है जिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपका रहता है 5 लाख। इसको आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से कम बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो रहती है 1 लाख रुपीज़ रहता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फैसिलिटी इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो जो इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड देगा वो कौन देगा, ICICI बैंक देगा, और साथ साथ किसकी हेल्प से देगा, इन अ पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। किसके थ्रू देगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू। द फैसिलिटी इनेबल्स, अब ये फैसिलिटी करेगी कि एक स्कीम के तहत क्या फैसिलिटी मिलेगी। द फैसिलिटी इनेबल्स द रिटेल कस्टमर टू अवेल लोन्स अप टू 1 करोड़ इंस्टेंटली बाय किसके, प्लेजिंग देयर होल्डिंग्स इन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, उसमें आप अगर उनको प्लेज करते हैं तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए इंस्टेंटली लोन आपको अवेल किया जाएगा। अब तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ICICI बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स जो पार्टनरशिप की है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ, कितना लोन मिलेगा, तो मैक्सिमम आंसर रहेगा 1 करोड़ रुपीज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है
वी सूर्य नारायण बिकम द न्यू MD CEO ऑफ चोला MS जनरल इंश्योरेंस। तो जो चोला MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं कौन? वी सूर्य नारायण। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन वो हैं MM मरुगप्पन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी सूर्य नारायण। साथ साथ जो हेड ऑफिस है वो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। अब ये जो जानते हैं कुछ फैक्ट चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के, तो आपका एक जॉइंट वेंचर है, आपका जॉइंट वेंचर है वो मरुगप्पा ग्रुप का। साथ ही साथ एक जो जापान की इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका नाम है मितुषी सुमी टोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। तो ये बात आप याद रखेंगे और बढ़ते हैं अब आगे की न्यूज़ की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ ज्वाइन द पेरिस फ्रांस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यानी जो नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम उसको ऑब्जर्वर के तौर पे ज्वाइन किया है, वो किसने किया है? वो किया है ADB ने। जानते हैं फैक्ट ADB के बारे में, तो ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है, और जो प्रेसिडेंट है वो है मतास्कू आसा कावा। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं ADB के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जो कि हमें पता है कि COVID-19 क्राइसिस चल रही है, तो गवर्नमेंट ने जो बिलो द इकोनॉमी क्लास हैं या जो बिलो द प्रॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको, उनके लिए स्कीम लेके आई है। उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जिसके तहत क्या करेगा करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट करेगी कि जो एक्सटेंशन डेट थी वो अभी आपकी जुलाई तक थी, बट उसको एक्सटेंड किया गया है कब तक? कि नवंबर 2020 तक। अब इसमें जो आउटले रखा गया वो कितना रखा गया? 90,000 करोड़ रुपये इसका आउटले है। अब इस स्कीम के तहत मिलेगा क्या? तो इन दिस रिकार्ड मोर देन 80 करोड़ पीपल विल प्रोवाइडेड 5 kg फ्री वीट एंड राइस पर मंथ। 5 किलो या तो फिर क्या मिलेंगे, वीट मिलेगा या राइस मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। साथ साथ मिलेगा 1 kg आपको चना यानी पल्सेस। वो तो ये आपका इस स्कीम का मोटिव है गवर्नमेंट की साइड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो RBI कंडक्टेड कर रहा है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर 10,000 करोड़ रुपीज़। अब 10,000 करोड़ रुपए की क्या करेगा RBI करेगा? RBI क्या लेके आ रहा है? RBI यूज़ कर रहा है क्या अपना लॉन्ग टर्म का यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन? इससे क्या करेगा वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसको या बेचेगा और बाय करेगा और सेल करेगा, और जिससे गेन करेगा वो क्या? पैसा इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो ये बोरोइंग फैसिलिटी जो बैंक की साइड से एक्सटेंड किया है RBI ने, वो बात याद रखेंगे, वो उसको बढ़ा के कर दिया कि 30 सितंबर 2020 तक। तो ये थी कुछ RBI के रिगार्डिंग न्यूज़। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है HDFC बैंक के रिगार्डिंग। HDFC बैंक हैज़ अनाउंस दैट इट विल ऑफर जिप ड्राइव। अब ये जिप ड्राइव क्या है? एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स इट्स कस्टमर इन 1,000 सिटीज़। तो इंस्टेंट ऑटो लोन्स स्कीम है आपकी, जिसके तहत क्या है, जिसका नाम है HDFC ड्राइव, किस बैंक की है? तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा कि जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन स्कीम जो लॉन्च की गई है वो किस बैंक के द्वारा की गई है? तो उसका आंसर रहेगा हमारा क्या? HDFC बैंक। स्टैटिक फैक्ट HDFC बैंक के बारे में, तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आदित्य पुरी। अगली न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक की रिगार्डिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटिव कोलैबोरेट्स टू ऑफर EMIs ऑन कोटक महिंद्रा डेबिट कार्ड स्वाइप्ड ऑन इनोवेटिव POS टर्मिनल। तो इनोवेटिव POS टर्मिनल रहेंगे, अगर आप यहाँ पे अपना कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक का है, कार्ड है आपके पास, और आप जाके उस कार्ड को क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो आपको ऑफर मिलेंगे किस पे? EMIs पे, अगर आप यूज़ करते हैं कोटक महिंद्रा डेबिट कार्ड को किस पर? इनोवेटिव POS टर्मिनल्स। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में स्टैटिक फैक्ट, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर और MD CEO की बात करें तो उदय कोटक इसके MD CEO है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडलवाइज असेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ भारत बॉन्ड ETF। यानी ETF का एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये ट्रेडिंग के रिगार्डिंग लेके आ रहा अपनी सेकेंड इंस्टॉलेशन। अब इसमें होगा क्या? अभी अपनी दो नई सीरीज लेके आया विथ टू न्यू सीरीज हैविंग मेच्योरिटीज 5 ईयर्स।
जो रहेगी आपकी अप्रैल 2025 तक, और साथ साथ 11 ईयर्स जो रहेगी अप्रैल 2031। अब इससे रेस करेगा वो फंड करेगा कितना, करीबन 14,000 करोड़ रुपीज़ गेन करेगा। कौन? एडलवाइज असेट मैनेजमेंट कंपनी। किसके थ्रू करेगा? तो भारत बॉन्ड ETF के तहत करेगा। एडलवाइज कैपिटल लिमिटेड के बारे में कुछ फैक्ट, तो मुंबई महाराष्ट्र इसका भी हेडक्वार्टर, और जो फाउंडर हैं वो हैं राशेश शाह। तो ये थी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट जिसने विद BOV फाइनेंशियल टू ऑफर कोविड कम हॉस्पिटल कैश कवर टू BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो BOB के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे उनको कौन प्रोवाइड करेगा, उसका नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट। जानते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और जो MD/CEO है वो है RM विशाखा। हेडक्वार्टर की बात करें BOB की तो वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो संजीव चड्ढा इसके हेड हैं, यानी MD और CEO हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है SBM बैंक के रिगार्डिंग। ये बैंक नया है थोड़ा, तो इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। SBI बैंक इंडिया पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू फैसिलिटेट रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रेमिटेंस थ्रू मास्टर कार्ड सेंड। यानी मास्टर कार्ड सेंड के तहत वो क्या करेगा, वो रियल टाइम डोमेस्टिक जो भी पेमेंट और सेटलमेंट रहेंगे क्रॉस बॉर्डर और रेमिटेंस को, उसको कंप्लीट कराएगा। जानते हैं SBI बैंक के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट बैंक टू रिसीव बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द RBI एंड टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया थ्रू होली ओन सब्सिडरी मोड। इट इज़ प्रमोटेड बाय द, जिसको प्रमोट कर रही है वो गवर्नमेंट कौन कर रही है, मॉरिशस की गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो कुछ फैक्ट, तो जिसका हेडक्वार्टर है वो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, और जो MD और CEO इस बैंक के वो हैं सिद्धार्थ रथ। कौन है? सिद्धार्थ रथ। मास्टर कार्ड के बारे में बात करें तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, और जो वहाँ के CEO हैं मास्टर कार्ड के उनका नाम है अजय बांगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन अ सेकेंड। तो लोन इन अ सेकेंड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, वो यस बैंक के द्वारा, फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। तो साथ साथ यस बैंक के जो फैक्ट हैं वो स्टैटिक, वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और MD/CEO वो हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च्ड भविष्य स्कीम। कौन सी स्कीम? भविष्य स्कीम सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18, यानी जिनकी 10 से लेकर 18 वर्ष है उनके लिए एक सेविंग अकाउंट ऑफर करेगा जिसका नाम है भविष्य। दिस अकाउंट कम विद अ फ्री प्लेटिनम रुपए डेबिट कार्ड। इसके तहत आपको एक क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा एक डेबिट प्लेटिनम। कौन सा? रुपए कार्ड देगा। आपको पता ही होगा जो रुपए कार्ड है वो किसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आपके NPCI का, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, तो वो आपको मिलेगा। साथ साथ और क्या मिलेगा इसमें, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। तो आप में इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना रखना पड़ेगा। अब साथ साथ एक और बात है, द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर द अकाउंट वो आपका रहेगा कितना, 349 रुपये, जिसमें GST भी आपका सम्मिलित रहेगा। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र में, और जो MD/CEO वो हैं ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे करूर व्यास बैंक, इसने टाई अप किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। किसके लिए? बैंक का अश्योरनेस। आपको पता ही होगा बैंक का अश्योरनेस जब कोई बैंक की ब्रांच में अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को। तो ये जब भी बैंकिंग जो इंश्योरेंस फैसिलिटी बैंक की साइड से उसको हम लोग बोलते हैं कि आप बैंक का अश्योरनेस। तो करूर व्यास बैंक ने टाई अप किया है बैंक का अश्योरनेस के लिए, उसका नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। यानी अपनी ब्रांच के थ्रू वो क्या करेगा, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा। कौन? किसके साथ? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। करूर व्यास बैंक के बारे में, तो हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। जो उसके प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो हैं नटराजन जगन्नाथन। इसके क्या हैं आपके
वो हैं आपके प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। टैगलाइन की बात करें तो इस बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। और बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो स्टार हेल्थ एंड जो कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है, वो है हमारा चेन्नई तमिलनाडु में, और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं आनंद रॉय। सेशन में। और तो आज हम ये था डिस्कस हमारा, करेंगे जुलाई मंथ को, और जुलाई में हम लोग शुरू जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा 8 से लेके 15 तारीख तक का। करूर व्यास बैंक एंटर्स इनटू अ बैंक का अश्योरनेस कॉरपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। तो बजाज आलियांस इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक का अश्योरनेस पैक्ट, वो किसने किया है? करूर व्यास बैंक ने। बैंक का अश्योरनेस वही होता है जब बैंक अपनी ब्रांच के अंदर बैंकिंग जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। तो जानते हैं करूर व्यास बैंक के बारे में। करूर व्यास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है करूर तमिलनाडु में, और जो इसके प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो है नटराजन जगन्नाथन। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। हेडक्वार्टर की बात करें अगर बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के तो वो पुणे महाराष्ट्र में है, और एमडी सीईओ की बात करें वो है तरुण चुग। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ रिलीज्ड $50 मिलियन इन द फर्स्ट ट्रांच ऑफ असिस्टेंस टू एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है इंडिया में उसके लिए दिया है किसने? वो दिया है $50 मिलियन। किसने दिया है? वो दिया है AIIB ने दिया है इंडिया को। अब जानते हैं इसके बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट लोन ऑफ AIIB टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट AIIB की तरफ। तो जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में, और जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो है जिन लिक्वन। कौन है? जिन लिक्वन। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ ज्वाइंट हैंड्स विथ टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू एनहेंस डिजिटल स्किल्स ऑफ द कंट्रीज़ यूथ। तो जो कंट्रीज़ की यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए जो NSDC है उसने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जानते हैं NSDC के बारे में। तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो MDCO है वो है मिस डॉक्टर मनीष कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, और जो प्रेसिडेंट की बात करें वो हैं अनंत महेश्वरी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है CBDT के रिगार्डिंग, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने किया है साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी जिनके भी जो भी इनके टैक्स पेयर रहेंगे या फिर इनके शेयर होल्डर रहेंगे तो उनके बीच में जो भी डेटा है उनका डेटा एक्सचेंज करेंगे ये दोनों। ऐसा पैक्ट साइन हुआ CBDT और सेवी के बीच में। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट सेबी के रिगार्डिंग। तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। जानते हैं CBDT के बारे में। तो CBDT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो चेयरपर्सन है वो है प्रमोद चंद्र मोड़ी। नेक्स्ट न्यूज़ है टी हब। टी हब पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ साथ इसमें और कोलेब्रेशन है किसका? डिजिटल इंडिया टू लीड अ स्केल अप प्रोग्राम। क्या करेंगे? टू लीड अ स्केल अप प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर स्टार्टअप। और इसके साथ साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट फैसिलिटीज के जो डिवाइसेस उनकी भी। अब जानते हैं इस मिनिस्ट्री के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो हैं कौन? रविशंकर प्रसाद। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो वो है संजय धोत्रे। अब बात करते हैं हम लोग टी हब के रिगार्डिंग। तो जो टी हब के CEO हैं वो हैं रवि नारायण। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड के रिगार्डिंग। तो झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ क्या किया है? जैसे कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन करेगा, अगर चालान्स होते हैं, अगर कोई मास्क या फिर रोड रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इंस्टेंटली उसके डिजिटल पेमेंट वहीं से चालान किए जाएंगे और वहीं के वहीं ये चालान फाइन किया जाएगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप की है झारखंड गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ? तो HDFC बैंक के साथ की है वो। आप और HDFC बैंक प्रोवाइड करेगा क्या? डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो भी ट्रैफिक पुलिस रहेगी झारखंड के अंदर।
झारखंड की बात करें तो स्टैटिक फैक्ट्री रांची कैपिटल है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के वो हेमंत सोरेन। गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की क्या हैं, चीफ यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वीज़ा, जैसे वीज़ा एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर। तो बैंक्स के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। किसके साथ वो किया है, वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ। अब जानते हैं कुछ फेडरल बैंक के जो फैक्ट हैं। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है इसका है, और MD CEO की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन इसके MD CEO हैं। बात करें वीज़ा की तो कैलिफोर्निया में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ जो एम जो इसके चेयरमैन CEO हैं वो हैं एल्फर्ड एफ डॉट केली जूनियर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है सेलिब्रेटेड 39th फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे कब होता है, तो नाबार्ड का जो फाउंडेशन होता है वो आपका होता है 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। वो नंबर कौन सा था आपका, 39th फाउंडेशन डे था। इसमें क्या हुआ, नाबार्ड हैज़ ऑर्गेनाइज फर्स्ट डिजिटल चौपाल। अब डिजिटल चौपाल है उसमें क्या किया गया, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विच ब्रॉट टुगेदर फार्मर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु हैव बीन एसोसिएटेड विद नाबार्ड इन 7th डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज। तो जो 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको उनके रिगार्डिंग एक डिजिटल चौपाल की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर। नाबार्ड ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जानते हैं क्या किया गया है, इसमें क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड 5,000 करोड़ रुपीज़ फॉर रीफाइनेंसिंग फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फाइनेंस टू द बेनिफिशरीज ऑफ इट्स 2,150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो अनदर 5,000 करोड़ रुपीज़ फॉर टर्निंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ इन टू अ मल्टी सर्विस सेंटर्स। में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको टर्न किया जा रहा है मल्टी सर्विसेज सेंटर में। तो इसके लिए भी अनदर 5,000 रुपीज़ दिए गए। पहले 5,000 बैंक एंड बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड करेंगे जो वाटरशेड वगैरह लगना है उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, और दूसरे जो 5,000 दिए गए हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा मल्टी सर्विस सेंटर्स में। जानते हैं स्टैटिक फैक्ट नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के जो न्यूली अभी चेयरमैन बने हैं, पिछले कुछ मंथ वगैरह रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, तो GR चिंतला इसके नए चेयरमैन है। उन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भनवाला को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, जो कि हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। इसने क्या किया, हैज़ मेड अ मैंडेटरी फॉर 13 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू लॉन्च शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी फॉर कोरोना वायरस डिजीज, यानी जो COVID-19 डिजीज चल रही है उसके रिगार्डिंग दो स्कीम्स नए जो स्कीम्स लॉन्च की हैं उसमें पॉलिसीज 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को एक स्कीम्स दी है। उसमें उन्होंने दो मेनली स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जिनका नाम क्या है आपका, एक का नाम है हमारा क्या, कोरोना कवच, और दूसरी का जो नाम है वो क्या है आपका, कोरोना रक्षक। जी अब ये क्यों लॉन्च की गई, तो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज COVID-19 केसेस इन इंडिया, जैसे कि काफ़ी आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका, 9 लाख के करीब पार हो चुका है आंकड़ा। तो ये उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन, IRDAI, और जिसके तहत जो स्कीम देगा जो पॉलिसीज देगा उनके नाम क्या हैं, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि IRDAI ने कौन सी दो स्कीम लॉन्च की है, तो उनका नाम रहेगा वो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इस स्कीम में वो रखा गया 18 साल से लेके 65 ईयर्स तक का रखा गया है। साथ साथ जो टेन्योर की रेंज रखी गई है दोनों पॉलिसी की वो 3.5 मंथ से लेके रखी गई है 9.5 मंथ्स का इतना टेन्योर रखा गया है। और आज तो हम ये डिस्कस था करेंगे 16 to 22 जुलाई तक। तो शुरुआती न्यूज़ है वो आई है नाबार्ड की रिगार्डिंग। नाबार्ड डिसबर्स 2.51 करोड़ रुपीज़ ग्रांट असिस्टेंट टू SHG। अभी SHG क्या होता है, तो SHG होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2.51 करोड़ रुपीज़ का जो असिस्टेंट प्रोवाइड करा है वो नाबार्ड ने किया है। साथ ही साथ 221.89 करोड़ रुपीज़ टू सपोर्ट 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो
तो जो 221.79 करोड़ रुपए दिया गया है वो कर्नाटका को दिया गया है नाबार्ड की साइड से। इसके आगे की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, दिस फंडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ई शक्ति और डिजिटाइजेशन ऑफ SHG। तो जो आधुनिकरण डिजिटलाइजेशन होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो इनिशिएटिव लिया है ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ नाबार्ड ने। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाबार्ड लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 44 लाख इन अंडमान निकोबार। तो अगली न्यूज़ भी आपके नाबार्ड के रिगार्डिंग है और इसमें बताया गया कि 44 लाख रुपए का जो नाबार्ड ने लॉन्च किया एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो कहाँ पर किया है, वो अंडमान और निकोबार आइसलैंड में किया है। तो कुछ फैक्ट हमारी जो अंडमान निकोबार के बारे में, तो कैपिटल की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर है, और जो यहाँ पे LG यानी जो गवर्नर हैं यहाँ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो उनका नाम है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। नाबार्ड के बारे में जो फैक्ट हैं, नाबार्ड के जो अभी रिसेंटली चेयरमैन बने हैं वो हैं GR चिंतला, और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगली न्यूज़ है वो रिपोर्ट इंडेक्स के रिगार्डिंग है। तो इंडेक्स अभी रिसेंटली जो इंडिया की ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में, तो इंडिया की रैंक है उसमें 34th है, वो है हमारे बिजनेस डोमेन में। वहीं 51st जो रैंक है इंडिया की वो है डेटा साइंस डोमेन में, और जो 14th रैंक है वो है टेक्नोलॉजी डोमेन में। तो ये था कुछ रैंक और इंडेक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट न्यूज़ नाबार्ड के रिगार्डिंग अगेन। तो नाबार्ड हैज़ सेंक्शन 795 करोड़ टू वेस्ट बंगाल टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज बाय द साइक्लोन अम्फान। तो जो मई मंथ में आया था एक तूफान, जो साइक्लोन आया था उसका नाम अम्फान, जो साइक्लोन आया था उसके रिगार्डिंग जितना भी नुकसान हुआ था, तो उसको कंप्लीट करेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था उसके लिए नाबार्ड ने पैसा दिया है, वो दिया है 795 करोड़ रुपीज़। किस स्टेट को दिया, तो वो स्टेट का आंसर आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में फैक्ट। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है हमारा कोलकाता, और जो CM है वहाँ ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी RBI की रिगार्डिंग। RBI अप्रूव्ड री अपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाली न्यूज़, इम्पोर्टेंट रहेगी कि श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD और CEO बनाया गया, तो उस बैंक का नाम रहेगा आपका फेडरल बैंक। अब इसका जो इफेक्ट पीरियड रहेगा वो 23 सितंबर 2020 से रहेगा, और ये और रहेंगे कब तक, तो 22 सितंबर 2021 तक को ये एक्सटेंशन और आगे को बढ़ाया गया है। तो जानते हैं कुछ फेडरल बैंक के बारे में फैक्ट। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, और जो MD और CEO जैसे कि पता है हमें, वो बने हैं श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर की बात करें तो अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है SBI की रिगार्डिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज अपॉइंटेड अश्वनी कुमार तिवारी एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है, हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि SBI जो कार्ड पेमेंट सर्विसेज के लिए MD और CEO बनाया गया है वो किसको बनाया है, तो अश्वनी कुमार तिवारी को बनाया गया है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का MD और CEO। हेडक्वार्टर की बात करें तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरमैन की चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरमैन है अभी SBI के वो हैं हमारे कौन, SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार। SBI कार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है वो हमारा गुरुग्राम हरियाणा, या गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये थे कुछ फैक्ट SBI कार्ड की जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, लॉन्च्ड पंजाब नेशनल बैंक नेशन वाइड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि CSR का एब्रीवेशन, तो वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैंपेन लॉन्च की है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ COVID-19 बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो इसके तहत इन्होंने PNB ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी कौन जो आपकी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैंपेन है, उसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे COVID-19 को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर।
पीएनबी की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसके एमडी सीईओ वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है करूर व्यास बैंक की रिगार्डिंग। तो करूर व्यास बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ को ऑप्टेड रमेश बाबू बोडू, उनको एडिशनल डायरेक्टर एंड अपॉइंट किया है हिमसेल्फ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के साथ ही साथ। जो इनका जो टेन्योर था वो कितना 3 साल का था, तो उन्होंने जो अभी रहेगा आने वाले 3 साल के लिए, इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया है पी आर शिदाश्री को, शिशा शादरी को रिप्लेस किया है। तो पी आर शिशाद्री को उन्होंने रिप्लेस किया है। जानते कुछ फैक्ट करूर व्यास बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में और जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम चेयरमैन है वो है एन एस श्रीनाथ। इस बैंक की टैगलाइन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चांस रहेंगे इन बैंकों की टैगलाइन आना, तो इस बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी आरबीआई की रिगार्डिंग। आरबीआई हैज़ एग्री टू अ USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विथ फॉर श्रीलंका, वैलिड रहेगा जो कि आपका नवंबर 2022 तक। तो जो स्टैटिक फैक्ट है श्रीलंका के बारे में, तो जो कैपिटल है उसकी कोलंबो और श्री जयवर्धन जयवर्धनापुरा कुट्टे, और जो श्रीलंका की करेंसी है वो होती है श्रीलंका रुपी। प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महिंदा राजपक्षे यहाँ के पीएम है। तो ये थे कुछ फैक्ट जो श्रीलंका के साथ रिसेंटली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग। अब जानते हैं ये करेंसी स्वैप होता क्या एक्चुअली। करेंसी स्वैप एक तरह का एक एग्रीमेंट रहेगा जो दो कंट्रीज़ के, जैसे कि एक इंडिया है और एक हमारा जो हुआ है किसके साथ हुआ है, श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका इंडिया की, यहाँ पे श्रीलंका इज रुपीज़ चलते हैं, इनकी करेंसी अलग है। तो जो बिजनेस है ट्रेड है उसके लिए, जो इकोनॉमी में जो भी इनके एक दूसरे की जो करेंसी का एक्सचेंज होगा उसको ही हम लोग करेंसी स्वैप कहते हैं। तो जानते हैं कुछ इसकी जो एक लीगल जो डेफिनेशन है उसके ज़रिए। अ करेंसी स्वैप बिटवीन कंट्रीज इन एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसी विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो इनकी प्री डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं उनके अनुसार ही ये किया जाता है कि ये व्यापार कब तक रहेगा और कब तक ये व्यापार के रिगार्डिंग करेंसी का एक्सचेंज होगा, एक एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ जो रखा गया है 2022 तक रहेगा जारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दिस स्वैप इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट एट द टाइम। जो आज के समय वर्तमान में एक्सचेंज रेट होंगी उसके हिसाब से इनका करेंसी का एक्सचेंज किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, जो भी व्यापार हो रहा है जो भी ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक कैंपेन लॉन्च की है जो क्रॉप इंश्योरेंस फसलों के बीमा के लिए है, उसका नाम है बहुत ज़रूरी है फॉर द फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू इनकरेज अबाउट द प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र, क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में बनेगा तो ऐसा बनेगा कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक कैंपेन लॉन्च की है बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, वो किन दो स्टेट्स में की है। तो स्टेट्स के नाम रहेंगे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो जानते कुछ फैक्ट भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की तरफ। तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और जो यहाँ के सीईओ और एमडी हैं वो हैं संजीव श्रीनिवासन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की न्यूज़ में बात आती है इंडियन रेलवेज क्रिएटिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड SBI कार्ड लॉन्च, SBI कार्ड लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड। तो जो SBI और इंडियन रेलवेज IRCTC है उसने एक कॉन्टेक्ट लेस को जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। IRCTC एंड SBI प्लेटिनम कार्ड ऑन रुपए प्लेटफॉर्म। तो ये जो कार्ड लॉन्च करेंगे, ये कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, ये रुपए कार्ड प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। और आपको पता ही होगा कि जो रुपए है वो किसका प्रोडक्ट है, वो है आपका NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। साथ साथ इसमें जो मिलेगा टू रिवॉर्ड द फ्रीक्वेंट रेलवे ट्रेन्स ट्रेवलर्स। तो जो भी उनकी जो रिसेंट जानकारी रहेगी, अपडेट्स रहेंगी, वो भी साथ साथ इनको
मिलते रहेंगे, और उनको जो कार्ड पे पेमेंट करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा। बात करें IRCTC की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में, और जो चेयरमैन MD हैं वो हैं महेंद्र प्रताप माल। SBI कार्ड की बात करें तो SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, और जो MD और CEO बने हैं रिसेंटली वो कौन है, अभी अश्वनी कुमार। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ ज्वाइंट हैंड विद यूनिकैन। किसके साथ? यूनिकैन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इन इंडिया टू सिक्योर इट्स इंटरनल बैंकिंग चैनल्स ऑन मोबाइल कार्ड, मोबाइल के हम जो मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं उसके लिए, कार्ड पेमेंट्स के लिए, कॉल सेंटर्स एंड ATMs अमंग द अदर्स, साइबर फ्रॉड्स जो भी होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने करने के लिए। इन दिस रिगार्ड द बैंक विल यूज़ यूनिकैन रियल ID टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो होगी यूनिकॉन रियल ID फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी फॉर इट्स ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महा सिक्योर। तो जो ऐप देंगे बना के यूनिकॉन, वो कौन सा वाला देंगे? महा सिक्योर ऐप देंगे, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो है यूनिकॉन रियल ID के थ्रू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी की तरफ एक बढ़ने वाला कदम उठाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकॉन के साथ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो MD और CEO है AS राजीव, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। टैगलाइन की बात करें वन फैमिली वन बैंक, यानी एक परिवार एक बैंक। साथ साथ यूनिकॉन की बात करें तो विमल गांधी इसके क्या है, हमारे CEO हैं, और साथ साथ हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में है। तो और ये आज था, हम आपके डिस्कस करेंगे 23rd से लेके 31st of July तक। पहली जो न्यूज़ है हमारी वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स अमलगमेशन विद कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद LIC टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर पॉलिसीज। तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, उसने एक कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, वो किया है किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अभी ये जो टर्म आया है निकल के उसको जानते हैं क्या क्या, उससे पहले जानते हैं फैक्ट क्या क्या है। तो जो LIC के बारे में है, LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार, और जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। LIC का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम है LIC मित्रा। साथ साथ जानते हैं कुछ फैक्ट हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो MD CEO की बात करें तो वो है हमारे राजकिरण राय जी। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्चुअल असिस्टेंट की बात करेंगे तो वो उसका नाम है UVA। हम लोग टैगलाइन की बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो वो है गुड पीपल टू बैंक विद। एक जो टर्म आया था हमारा वो उसके बारे में जानते हैं अमलगमेशन में, तो जानते हैं होता क्या है। तो ये इसके सबसे पहले जानने से पहले कुछ इसकी जो थ्योरी है वो है अमलगमेशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन विच देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपनीज आइदर बाय मर्जर और टेक ओवर। जैसे कि अभी आपको पता है कि एक जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक उनको टेक ओवर किया, अमलगमेशन हुआ है उन बैंकों में, क्योंकि ये जो दो बैंक थे इनमें इनका NPA ज़्यादा बढ़ गया था। NPA ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो बेसल अकॉर्ड्स के नॉर्म्स होते हैं उसको पूरा करने में, यानी जो क्रेडिट लिक्विडिटी थी इन बैंकों में, क्रेडिट सप्लाई थी वो काफ़ी कम होती जा रही थी, इनका बिजनेस डाउन हो जा रहा था। तो इन बैंकों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया था किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया था। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमल गमेशन। तो आई होप सो ये टर्म आपका क्लियर हुआ हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है फैम पे इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक फॉर टीन एजर्स इन पार्टनरशिप विथ IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। तो जो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? फैम कार्ड। अब फैम पे ने ये किया है, फैम पे विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप दिस कार्ड। तो NPCI के जो सपोर्ट के साथ डेवलप किया है वो कौन सा कार्ड किया है? फैम कार्ड को
डेवलप किया है। किसने किया है? वो है फैम्बे। फैम्बे पे के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ एनपीसीआई के कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो मुंबई महाराष्ट्र में एनपीसीआई का ऑफिस है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो विश्व मोहन महापात्रा। एमडी और सीईओ की बात करें तो दिलीप आसपे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल एरियाज़, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जो एक पार्टनरशिप की है, वो NSDC ने किसके साथ की है? वो की है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ की है। जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट। हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में और जो MD CEO हैं वो है अनुव्रता विश्वास। NSDC के कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और साथ साथ जो MD CEO NSDC के वो हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, आ 100% पेपरलेस सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, यानी आप इसको ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। तो किस बैंक ने पहला सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कार्ड की अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है? तो बैंक का नाम रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसका नाम रखा है स्कीम का जो एक सेवा देंगे उसका इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ये एक आपकी 100% पेपरलेस डिजिटल सेविंग सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब इसमें इसके साथ क्या ऑफर करेगा? तो इट्स ऑफर एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल चैनल लाइक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI एंड डेबिट कार्ड। आपको ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर, तो स्टैटिक फैक्ट में हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में BOB का। MD CEO की बात करें तो संजीव चड्ढा, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें हसमुख अढ़ाई अढ़ाइया इसके क्या हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ADB एंड द ग्रीन क्लाइमेट फंड एग्री टू पार्टनर टूवर्ड्स द ग्रीन रिकवरी। तो ग्रीन रिकवरी के लिए जो पार्टनर बने हैं वो आपका ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक बना है और बना है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। बात करते हैं कुछ हम ADB के बारे में। तो ADB का हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, मेंबर कंट्री 68 है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मतास्कू आसकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। GCF की बात करें तो GCF के बारे में, जो GCF का हेडक्वार्टर है वो इचियोने साउथ कोरिया में है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर यानिनिक ग्लेन मैरकेस इसके क्या हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF जो हुआ हेल्ड हुआ है वर्चुअली हेल्ड हुआ है, विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने इसको हेल्ड किया एट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से अंडर द थीम। जो इस बार की थीम रखी गई है इस फेस्ट की, वो रखी गई है फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। तो जो ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज किया वो किया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और साथ साथ फिनटेक जो FCC है उसके द्वारा। जो FCC है ये पार्ट है आपका वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर सुभाव राव सुवारे, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NPCI ने इसमें एक और लॉन्च किया है, NPCI ऑल्सो लॉन्च रुपए कॉमर्शियल कार्ड। अब ये जो रुपए कॉमर्शियल कार्ड है ये इसका नाम रखा गया है SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड। अब इसमें जो बात है SBM है जो बैंक है, साथ साथ जो एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक जो स्टार्टअप कंपनीज है उसने अपना इनका जो रखा है उसको उन्होंने पार्टनर के एक जो कार्ड लॉन्च किया है इन दोनों का एक जो कोलेबोरेशन है, एक कार्ड जिसका नाम रखा गया SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड। अब ये कार्ड जो पार्टनरशिप है, जैसे कि हमें पता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का ये एक जो रखा गया है इसके साथ। अब ये करेगा क्या? तो ये करेगा फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ये दिया जाएगा। तो ये था NPCI के रिगार्डिंग। तो NPCI ने जिस कार्ड का नाम, इसका नाम जो रुपए कॉमर्शियल कार्ड किया जिसका नाम रखा है SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, आरबीआई पब्लिसाइज्ड रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स कोड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक वी पाठक। अभी जो अब QR रिस्पॉन्स रखा गया है, जैसे कि अब इससे होगा क्या, ऑन इट्स वेबसाइट फॉर कमेंट एंड सजेशन वेरियस इंडस्ट्रीज प्लेयर। तो जो QR कोड रहेगा उसके तहत जो भी आप एक स्कैन करके अपनी जो भी कमेंट और सजेशन है उसको वेरियस जो भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं वो सारे अपनी क्वेरीज को या सजेशन को वहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट RBI के बारे में, RBI हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो डिप्टी गवर्नर चार होते हैं, बट प्रेजेंटली तीन ही हैं हमारे पास, BP कानूगो, महेश कुमार जैन और मिशेल देवव्रत पात्रा। NH विश्वनाथन जो कि अभी पहले हमारे चौथे गवर्नर थे, उन्होंने क्या, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी ये पोस्ट उनकी वेकेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अमेजोन पे, द पेमेंट आर्म्स ऑफ अमेजोन इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ऑफर ऑटो इंश्योरेंस। ये क्या करेंगे, अमेजोन इंडिया पे एको जनरल इंश्योरेंस के साथ ये करेंगे, ऑफर करेंगे क्या, ऑटो इंश्योरेंस टू व्हीलर्स के लिए एंड फोर व्हीलर्स इन इंडिया, अ 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान। तो ये 100% पेपरलेस, इसमें पेपर का कोई यूज़ नहीं होगा, ये टू व्हीलर्स को साथ साथ फोर व्हीलर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, उनका नाम एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। जानते हैं कुछ अमेजोन के बारे में स्टैटिक फैक्ट। तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और जेफ बेजोस MD और CEO, फाउंडर और CEO इस कंपनी के। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो MD CEO हैं वो हैं वरुण दुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ICICI लोम्बार्ड इन अ पार्टनरशिप विथ फोन पे। तो इसने पार्टनरशिप्स की है किसके साथ, वो की है फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है। हैज़ लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अंडर इट्स ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो से ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, तो उनके लिए जो भी आपका ICICI लोम्बार्ड फोन पे के साथ जो भी उनका हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट रहेंगे उनको ये दिए जाएंगे जिसने भी ली होगी ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। फोन पे के बारे में, तो फोन पे का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में, और जो CEO की बात करें तो CEO है इसके समीर निगम। ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और MD CEO की बात करें तो भार्गव दास गुप्ता इसके MD और CEO हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता एज अ न्यू MD CEO। तो जो MD और CEO बनाया गया वो याद रखेंगे ना, पार्थ प्रीतम सेन गुप्त को अपॉइंट किया गया, इन्होंने रिप्लेस किया है, वो रिप्लेस किया है, उन्होंने करनम शेखर को रिप्लेस किया जो कि रिटायर्ड हो चुके थे 30 जून 2020 को। हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर TCA रंगनाथन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद 21st इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमेशा वो पब्लिश करता है, RBI ने रिलीज की है 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट, तो उसमें कहा है द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA। NPA वो होता है, NPA आपका होता है जब कोई लोन दिया जाता है और वो आपका 90 डेज तक उसमें कोई भी EMIs और लोन का कोई भी रीपेमेंट नहीं आता तो उसको बैंक डिक्लेयर कर देता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसा ही उन्होंने GNPA के रिगार्डिंग बात की है कि जो कमर्शियल बैंक का है तो ये रेशियो क्या रहेगा, तो जानते हैं उसके बारे में। रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज फ्रॉम 8.5% इन मार्च 2022, 12.5% बाय मार्च 2021 अंडर द बेस लाइन सिनेरियो। द रेशियो में बी एस्केलेट टू 14.7% अंडर द वेरी सेवरली स्ट्रेस्ड सिनेरियो के। अगर ये जो बात कही गई है, जो हमारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें मई में जो रिलीज़ किया गया था, एक जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार ये तय किया गया कि मई में जो ग्रॉस NPA था, GNPA था, वो था हमारा 8.5%, बट अगली जो फाइनेंशियल ईयर था कि 2021 तक, उसको 12 12.5% होने का अनुमान लगाया गया है। अगर हालात फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकल स्लोडाउन जारी रहा तो उसको ये 12.5
फाइव यानी 12.5 से भी बढ़कर 14.7% तक हो सकता है। तो ये था इस स्लाइड के बारे में, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। SBI प्रोवाइडेड 16.20 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेसेस इन मालदीव एज अ कोविड रिलीफ। तो जानते कुछ स्टैटिक फैक्ट हम मालदीव्स के बारे में। तो माले इसकी कैपिटल है, मालदीवियन रुफिया ये इंपॉर्टेंट रहेगा कैपिटल करेंसी के रिगार्डिंग। मालदीवियन रुफिया जो है वो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो ये थे कुछ फैक्ट, जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट SBI के बारे में। तो SBI का हेडक्वार्टर एज वी नो मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन रजनीश कुमार, और जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वो है योनो। साथ साथ टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 3 मिलियन USD USD अबाउट 22 करोड़ फ्रॉम द ADB यानी एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो हमारा APDRF है उसके रिगार्डिंग। फाइनेंस्ड बाय जैपनीज गवर्नमेंट, किसके द्वारा? जैपनीज गवर्नमेंट टू इंडिया सपोर्ट द गवर्नमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू COVID-19। तो इसमें जो मेन रोल रहा वो किसका रहा? जैपनीज गवर्नमेंट का। अमाउंट कितना ADB ने दिया? वो दिया 3 बिलियन USD। आप जो भी अमाउंट दिए गए हैं COVID-19 के तहत ADB, वर्ल्ड बैंक और जितने भी हमारे फाइनेंशियल मेगा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आप एक सेपरेटली एक टेबल जनरेट कर लेंगे कितना अमाउंट कितना बारी दिया गया है, तो आपको एक सीक्वेंस वे में याद रहेगा। जानते हैं इससे कुछ हटके कुछ स्टैटिक फैक्ट ADB के बारे में। तो जो चेयरपर्सन है वो हैं होंग नाम की, और जो प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मसात्सु आसकावा। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था आज के हमारे सेशन में। तो सेशन पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ जो भी आपके रिगार्डिंग कमेंट है उसको कमेंट कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। ये सही टाइम है आपके एग्जामिनेशन को तैयारी करने का। आपके जितने भी RRBP हो या फिर IBPS हो, सारे के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो आप वेट नहीं कीजिए, मेंस एग्जामिनेशन कब होंगे अभी से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में गेन कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। तो सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।